दो कमरे हैं, 6,000 रुपया किराया है, 5 बच्चे पाँच स्कूल में जाते हैं। पैदाइशी तौर पर दोनों पाँव से माजूर 45 साल इस्लामाबाद के रिहायशी मोहम्मद अमीन ने अपनी हालात जिंदगी बयान करते हुए बताया कि नौजवानी में गुजर औकात के लिए भीख मांगता था। एक दिन एक बुजुर्ग ने जाड़ पिला दी और नसीहत की कि अगर पाँव से माजूर हो तो हाथ तो तंदुरुस्त हैं। चुनांचे मोहम्मद अमीन ने सीमेंट के सतून और डेकोरेशन का काम सीखना शुरू कर दिया। 3 साल मंगे भी है, इज्जत मंगना रहे जरा ध्याड़ी काम सीखने दौरान जरा ना सुबह उठाना जुड़ना सा तो वो शामी 5-6 बजे छोड़ना सी तो उस वक्त जाना सा शामी घंटा 2 घंटे मंग के आना जरा ध्याड़ी अपनी चाह रोटी करना। मोहम्मद अमीन का कहना है कि वो अपने काम से जितना कमाता है उससे घर का गुजारा नहीं होता, नहीं बच्चों की पढ़ाई के अखराजात पूरे होते हैं। बेनजीर स्कीम चलती है, किसी जगह तुम मतलब फिरने टूरने हो, किसी जगह किसी मजदूर का कोई ना है या कोई किसी जगह बैंक जो कोई दे रहे मजदूर। मोहम्मद अमीन सुबह से शाम तक काम करता है, कई बार हुकूमत को माली इमदाद की दरखास्तें भी दी मगर सितम जरीफी ये कि उन्हें माजूर ही नहीं समझा जाता। उन्हें पैगाम के दे सा पैगाम देने उनका फायदा तो कोई नहीं, पर यह कि थोड़ा बहुत उन्हें इन्ना शर्म होना चाहिए कि इस लाती अगर बंदा मजदूरी करके खा रहा तो फिर इन्हें लोगों से जो है ना इनकी दौलत या इन्हें इतना बड़ा होने का जो है ना उसे वकात कोई नहीं। 5 बच्चों का बाप मोहम्मद अमीन बाराकों में मेहनत करके अपने काम को तो चला ही रहा है लेकिन किसी भी हुकूमती या खिराती इदारे ने उनकी दादरसी नहीं की। कहते हैं मेहनत में बरकत है, इस्लामाबाद का ये शहरी मोहम्मद अमीन इसी फलसफे पर अमल पैरा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुक्मरान कब तक गरीबों से नजरें चुराते रहेंगे। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ गोहर में सूद, इस्लामाबाद।